हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज़। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिज़ाइन करते हैं, हम उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे कंटेंट्स होंगे इंट्रोडक्शन, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कैटेगरीज एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो ये एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज़ होते हैं जिनको हम पहचानते हैं और जिन्हें हम डेडिकेट करते हैं या फिर मैनेज करते हैं लीगल अथॉरिटीज़ की मदद से, ताकि हम वहाँ पर नेचर को कंजर्व कर सकें, उनके इकोसिस्टम, उनके एनवायरनमेंट, वहाँ की वाइल्ड लाइफ और वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ के साथ। ये जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने, दैट इज IUCN जिसे हम कहते हैं, ने दी है 2008 में। तो इसके अकॉर्डिंग अ प्रोटेक्टेड एरिया इज क्लियरली डिफाइंड ज्योग्राफिकल स्पेस रिकॉग्नाइज्ड, डेडिकेटेड एंड मैनेज्ड थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर विद एसोसिएटेड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड कल्चरल वैल्यूज। वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कमीशन आयोग है जिसमें कि हम पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड हमें एक स्पेसिफिक टास्क फोर्स बनानी है या स्पेशलाइज ग्रुप जो है उसका संगठन बनाना है। तो उनसे रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज हैं और जो एडवाइसेज हैं या फिर जो भी दिशा निर्देश हैं, उनको हम तैयार करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने जमा की उसके बेसिस पे। तो हम यहाँ पे एक आयोग बना रहे हैं जो क्या करेगा, डायरेक्टली दिशा निर्देश तैयार करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, एडवाइसेस देगा, ताकि हम एक प्रोटेक्टेड एरिया को बना सकें। तो और उसके लिए हम स्पेसिफिक जो टास्क फोर्स है या स्पेशलाइज टीम है उसका भी गठन कर सकें। इसके लिए वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया जो है काम करता है, जिसे WCPA भी कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड पार्क कांग्रेस। IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने एक ऐसा ग्लोबल फोरम जो है, एक ऐसा विश्वव्यापी मंच जो है बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड जितना भी हमारा नॉलेज है या जो भी हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी एजेंडा जो हम प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड बना रखा है हमने, उनको हम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे शेयर कर पाएंगे, वो आपका वर्ल्ड पार्क कांग्रेस कहलाएगा। तो ये जो है, इस वर्ल्ड पार्क कांग्रेस का जो बिल्डिंग थीम है वो है पार्क्स People, Planet, Inspiring Solutions। तो नाम ही बता रहा है कि एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया या पार्क से रिलेटेड और वहाँ के पीपल से रिलेटेड टू कंजर्व प्लैनेट और इंस्पायरिंग सोल्यूशन का एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है। और इसका जो आपका 2014 का जो वर्ल्ड पार्क कांग्रेस हुआ था, उसमें ये जो है बिल्डिंग थीम तैयार किया गया था वर्ल्ड पार्क कांग्रेस के लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कुछ कैटेगरी हैं जो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कैटेगरी 1A जिसमें स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स आते हैं, कैटेगरी 1B जिसमें वाइल्डनेस एरियाज आते हैं, कैटेगरी 2 जिसमें नेशनल पार्क्स आएंगे, कैटेगरी 3 जिसमें नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर्स आएंगे, कैटेगरी 4 जिसमें हैबिटेट या स्पीसीज मैनेजमेंट एरियाज आएंगे, कैटेगरी 5 जिसमें प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सीस्केप्स आएंगे, कैटेगरी 6 जिसमें प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे। कैटेगरी 1A जिसमें स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए इस एरिया में ह्यूमन का विजिट और कोई भी एलियन स्पीसीज का विजिट जो है वो अलाउड नहीं होता है, ताकि हम प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकें उस पर्टिकुलर एरिया को। और नेक्स्ट आता है कैटेगरी 1B
ये आपका वाइल्डरनेस एरिया होता है, और ये जो है यहाँ पे भी कोई आपका हम परमानेंट घर नहीं बना सकते हैं, ह्यूमन बीइंग कोई अपना घर बना के नहीं रह सकते हैं। इवन यहाँ पे भी आना ह्यूमन बीइंग्स के लिए अलाउड नहीं होता है। तो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व जो कैटेगरी 1A और वाइल्डरनेस एरिया जो कैटेगरी 1B में आ रहे हैं, इन दोनों में ह्यूमन इम्पैक्ट या एलियन स्पीसीज का आना जाना स्ट्रिक्टली मना होता है। वाइल्डनेस एरिया में वाइल्ड जो नेचर है वो ही हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं इस वाइल्डनेस एरिया में। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स जो कैटेगरी 2 में आता है। तो इस नेशनल पार्क में जो है हम साइंटिफिक एजुकेशनल या फिर कोई भी रिसर्च रिलेटेड पर्पस के लिए हम यहाँ पर आ जा सकते हैं, और इसके लिए लेकिन हमें परमिशन चाहिए होता है। तो ये जो है आपके बहुत बड़े इकोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसका पार्ट होती है। तो बेसिकली हम नेचुरल कंडीशन में ही यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं किसी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को एक बड़े भूभाग में। नेक्स्ट है कैटेगरी 3 जिसमें आते हैं नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो कि समंदर में हो या फिर आपके लैंड में हो, किसी भी जगह पे हो, जैसे कि कोई गुफा, पुरानी गुफा, या फिर किसी जानवर का कोई पुराना बना हुआ कोई घर, तो वो जो है आपके मॉन्यूमेंट फीचर्स में आते हैं और हम कैटेगरी 3 के अकॉर्डिंग उन्हें कंजर्व करके रखते हैं। कैटेगरी 4 की बात करें तो ये हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे हम जो वास्तविक घर है, हैबिटेट है किसी स्पीसीज का, उसे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस हैबिटेट को कोई लॉस हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस और उसका मैनेजमेंट का भी हम ध्यान रखते हैं। तो इस कैटेगरी 4 में हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल जो है अपनाते हैं एक स्पीसीज के हैबिटेट को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी 5 जिस जो कि प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सीस्केप है। तो ये जो कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमन हम जो पीपल्स हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का आना जाना जो है वो मच मोर इजियर होता है, और यहाँ पे कल्चरल इश्यूज जो है वो इकोलॉजिकल इश्यूज के साथ साथ साइमल्टेनियसली आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी आपका बड़ा भूभाग है, लैंड है या सी है, उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं और नेचर को हम यहाँ पे कंजर्व करके रखते हैं। तो इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल दोनों बेनिफिट्स हम प्रोटेक्टेड लैंडस्केप एरिया से ले सकते हैं जो कि कैटेगरी 5 में आते हैं। नेक्स्ट हो गया कैटेगरी 6 जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम कहते हैं जिसे। तो इस एरिया में भी हम यहाँ पे ट्रेडिशनल और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम, यहाँ पे हम घर भी बना सकते हैं अपने, और जो यहाँ पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो ही जनजातियाँ जो आपके इन एरियाज में रहती हैं, इन पर्टिकुलर कैटेगरी 4 6 वाले एरियाज में रहती हैं, उस वो ही इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपने जानवरों के लिए चारा लाना। तो इस तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो कैटेगरी 6 में आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं वो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वर्ल्ड वाइड, जिनमें कि हम कुछ आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हैं वो लगाने पड़ते हैं हमें, ताकि हम अपनी जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं उसको वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में कंजर्व करके रख सकें। तो ये जो हैं आपकी कुछ ऐसी साइट्स जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होंगी कि ये ही आपकी जो हेरिटेज है उसे आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पे माइनिंग, पोचिंग और कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो है वो अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन सारे काम जो हैं आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, उनके कारण जो नेचुरल हैबिटेट है स्पीसीज का या जो स्पीसीज है खुद
खुद उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है। तो IUCN जो है एक स्पेसिफिक एडवाइजरी बॉडी बना के रखती है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हम उसकी लिस्ट को हर साल बढ़ाते रहें और वो जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने बना दी है उसका कंजर्वेशन का भी प्रॉपर प्रोटोकॉल देना वर्ल्ड आपके IUCN के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का काम होता है। इंडिया के 15 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फॉर्म में डिक्लेयर किया गया है उसकी ये एक लिस्ट है। दैट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज़।